उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज उधमसिंह नगर के दौरे पे पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर। जिसमें उत्तराखंड सरकार पे जो भ्रष्टाचार के एवं तमाम आरोप लगाए हैं, चलिए इस संबंध में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। सर, आज उधमसिंह नगर पहुंचे थे, उधमसिंह नगर पहुंचकर आपने एक प्रेस वार्ता की है, सरकार पर निशाना साधा है, सरकार पर भ्रष्टाचार में मिलीभगत का आरोप लगाया, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप जो है ना निराधार आरोप नहीं है, सच्चाई है। हम मिथ्या आरोप नहीं लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह विफल हो चुकी है, अपराधियों का राज कायम है, जंगल राज जिसे कहते हैं, और अपराधी बेखौफ है, डर नहीं है। डर है यहाँ की बेटियों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की जनता पर डर से, डर और भय के वातावरण में साए में जी रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर मैंने कहा ना कि लगातार बलात्कार हैं, गैंग रेप हैं, हत्याएं हैं, इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, कौन मुख्य आरोपी हैं? भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धानी पदों पर बैठे हुए आसीन लोग, संगठन के लोग अभियुक्त हैं। सरकार के संरक्षण में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जो अपराधियों का एक ताना बाना सा एक पूरा अधिकार अपराधियों का एक ताना बाना बन चुका है, एक गठजोड़ है अफसरों का और अपराधियों का। सर, अगर बात करें उधमसिंह नगर जिले की, तो उधमसिंह नगर जिले में पिछले कुछ दिनों में या कहें कुछ महीनों में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, जैसे कि नर्स रेप हत्याकांड हुआ या मौलाना द्वारा नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकत एवं छेड़छाड़ का जो मामला था, इसके साथ ही कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर आगे क्या रणनीति है? कोई अपराधी किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, अपराधी का कोई जात नहीं होती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार के द्वारा और प्रशासन द्वारा। यह मुद्दा है, भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है, चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। सुविधा शुल्क के नाम पर जनता को ठगा, जनता को लूटा जा रहा है। यहाँ के जल जंगल जमीन को बेच दिया गया है, खनन माफियाओं को यहाँ की नदियां सौंप दी गई हैं, बाहर के लोग हैं, ट्रांसपोर्टरों को अनावश्यक वसूली हो रही है। और मैंने कहा ना कि यहाँ की जो पानी है, यहाँ की जो जवानी है, उसको रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं। और दूसरी तरफ आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं, सदन में भाग रही है सरकार, इन मुद्दों से कतरा रही है। 20 गांव वो एक साल से ज्यादा हो चुका है धरने पर बैठे हुए, बाजपुर में अपने हक की बात कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और भी स्थानीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर 9 सितंबर को 11 बजे हम जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस का घेराव करेंगे, और यह लड़ाई हमारी यहाँ से शुरू हो रही है और इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी पे विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये निर्देश दिए गए हैं कि इसकी जाँच विजिलेंस द्वारा हो, वो कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर हैं, सरकार को निर्णय लेना है क्या वो विजिलेंस जांच के लिए तैयार होगी, क्या कैबिनेट मंत्री होते हुए क्या वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, ये प्रश्न है। हम देख रहे हैं कि इसमें सरकार क्या कदम उठाती है, उसके बाद फिर हम इसमें आप लोग अपना स्टैंड क्या होगा, हमारा हमारा हमारी जो उसके बाद हम देखेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरा अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने सदन में बंगाली समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा धर्म जाति मजहब की राजनीति से दूर होकर, सर्वधर्म समाह हमारी राजनीति का हिस्सा है और बंगाली समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे नायक हैं, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी, और यहाँ पर विस्थापन में कांग्रेस का ही तो रोल है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हों, सदय नारायण दत्त तिवारी जी हों, बसासत में उनकी भूमिका है। हमने मालिकाना हक भी दिया, जो कांग्रेस की सरकार की 2012 में
तब तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय भगवान जी थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त मुझसे को भी राजस्व मंत्री के तौर पर काम करने का अवसर मिला। हमने शक्ति फार्म को भूमिधर के अधिकार दिए, राइट्स दिए, और आज मुन्ना सिंह चौहान जी का जो वक्तव्य है, मैं फिर कह रहा हूं कि उनका वक्तव्य क्या सरकार का वक्तव्य है, क्या भाजपा का स्टैंड है, उसको स्पष्ट करें। ये सार्वजनिक माफी मांगने से अपने वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद में यहाँ के स्थानीय लोग, नेता कहिए, मंत्री कहिए, बयानबाजी कर रहे हैं, वो जागे बात करें, वहां कहें अपने हाईकमान से प्रदेश नेतृत्व से कि ये गलत बयानी है, इस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कैद उनके पाले में है, क्यों जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब इनकी नियत साफ नहीं है। उत्तराखंड सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बगुड़ा ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो बंगाली समाज के लोगों को बहकाने का प्रयास कर रही है, भड़काने का प्रयास कर रही है। देखिए, सच को स्वीकार करना चाहिए, सच को आंच नहीं। ये इसी तरह की राजनीति करते हैं, भड़काने की, वोट बैंक के पर काबिज होने के लिए तरह तरह के आक्षेप, आरोप, मिथ्या बातें कहती रही है, प्रभावित करती है वोटों को। लेकिन कांग्रेस की इस तरह की राजनीति नहीं की है। निश्चय रूप से मैं फिर कह रहा हूं कि हाईकमान को स्पष्ट करना चाहिए कि इनका नजरिया, इनका दृष्टिकोण इस मामले में, जो मुन्ना सिंह चौहान जी बहुत सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनकी बात से सहमत है या नहीं, उनको इसका जिक्र करना, इसका उल्लेख करना चाहिए। तो आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद थे। इन्होंने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, इन्हीं के संरक्षण में अपराध और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।